हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर आप कैसे काम करते हैं कि आपको करंट का झटका नहीं लगता है। दोस्तों, करंट का झटका सभी को लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन हम सेफ्टी से काम करते हैं इसलिए दोस्तों हमें करंट का झटका नहीं लगता है। और कितना ही सेफ्टी से काम करते हैं तब भी दोस्तों कभी कदाल हमको भी करंट का झटका लग जाता है। तो दोस्तों, उससे हम कैसे बचते हैं यही डिटेल रूप से हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, एक कमेंट और हमको ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर हमसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर बताइए आप कहाँ से हैं, ठीक है, आपका किस जगह शॉप है। तो दोस्तों, आज इसी के विषय में हम डिटेल रूप से आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो काम करने के लिए सीआरटी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, ये सीआरटी टीवी का किट है, ठीक है। और इधर हम कुछ सामान रिपेयरिंग करके रखे हुए हूँ। ये हमारा मीटर है। और उसके बाद दोस्तों, ये हमारा देखिए यहाँ पर सोल्डिंग है। और ये हमारा पावर बोर्ड है। और एक दोस्तों पावर बोर्ड हमारा यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं, ये पावर बोर्ड है। ये दोस्तों सीरीज सप्लाई देता है, ये 5-पिन सॉकेट। और ये हमारा सीरीज बल्ब है, ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ चार्जर वगैरह कुछ कंपोनेंट हमारा लगे हुए हैं। और आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टेबलाइजर है जो काम करने के लिए हम इसको बनाए हुए हूँ, ठीक है। ये हमारा डीटीएच है, ये देखिए डिश का तार है। और ऊपर में दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा पावर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा शॉप है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये हमारा दुकान में सजावट है दोस्तों। आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये छोटा सा दोस्तों हमारा शॉप है। और सारा डिटेल आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटे बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज हमेशा मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ पर हम बैठ के काम करते हैं, ये देखिए हमारा टेबल है, यह लकड़ी का टेबल है, आपको आप ध्यान से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यही हमारा टेबल है लकड़ी का, यहीं पर दोस्तों हम बैठकर काम करते हैं, ठीक है। एक पावर बोर्ड यहाँ पर है, एक पावर बोर्ड दोस्तों यहाँ दिखाए, एक पावर बोर्ड देखिए दोस्तों हम इस टेबल में फिट किए हुए हैं। और सामने दोस्तों हमारा शीशा है, सीआरटी टीवी को रिपेयर करने के लिए दोस्तों हम शीशा लगा के रखे हुए हैं। इधर से हम सामने से देख कर और दोस्तों पीछे से हम रिपेयर कर लेते हैं टीवी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, ये तो हम टेबल पर रखे हैं। अब दोस्तों, बैठने का हम आपको जरिया बताते हैं कि किस जगह हम बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेबल लगा के हम इस कुर्सी पर बैठते हैं, हमारे पास लकड़ी का कुर्सी है और लकड़ी का टेबल है, ठीक है। अब बैठते कैसे हुआ देखिए, ये देखिए दोस्तों हम इस पर बैठ गए। और बैठने के बाद जब हम काम करते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों हम पैर को ज़मीन से ऊपर रखते हैं, यहाँ पर इस लकड़ी पर देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों, हमारा शॉप मेन रोड पे होने के कारण बहुत से गाड़ी आते जाता रहता है। आज हम अपना शॉप आपका पूरा दिखाएंगे, रोड भी दिखाएंगे। और हमारा शॉप स्टैंड में है, ऑटो स्टैंड में, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम बैठ जाते हैं लकड़ी के कुर्सी पे और टेबल के ऊपर दोस्तों पैर रख देते हैं। और दोस्तों, जब हम काम करते हैं तो ऐसे बैठ कर करते हैं। और जब सप्लाई छूते हैं, सप्लाई देने के बाद दोस्तों छूते हैं इसको, तो दोस्तों हम छूते हैं केवल एक फेज, सिंगल फेज को हम दोस्तों टच करते हैं। उससे दोस्तों आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। अगर दोनों फेज आप पकड़ लीजिएगा ठंडा गर्म दोनों, तो दोस्तों आपको करंट का झटका बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो आप जब भी काम करें दोस्तों, आप लकड़ी के बेड पर बैठें ऊपर में, और दोस्तों ज़मीन से आप लगाव न रखें। और दोस्तों, लाइन देकर पावर देकर जब आप सप्लाई को छूएं तो दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई को टच करें, दोनों सप्लाई को टच न करें ठंडा गर्म को। ऐसे दोस्तों सिंगल फेज को टच कीजिएगा तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। दोस्तों, कभी कदाल हमसे भी गलती हो जाता है कि दोनों फेज हम टच कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये लकड़ी पर बैठे होने के कारण दोस्तों, यहाँ पर हम पैर ऊपर करके जब बैठते हैं तो दोस्तों हम बच जाते हैं, केवल दोस्तों हल्का झटका लग कर और रह जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये पावर ऐसा है, सप्लाई लाइन ऐसा है कि जिसने इसको बनाया उसको भी दोस्तों यह नहीं बख्शा। तो हम किस खेत के मूली हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों, जब भी काम करें तो सेफ्टी से काम करें। और ये हमारा आगे का काउंटर है दोस्तों,
देख रहे हैं, आपको हम बाहर से दिखाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यही मेन रोड है, यहाँ पर देखिए कुछ गाड़ी लगे हुए हैं, यही दोस्तों ऑटो स्टैंड है। और ये देखिए दोस्तों गाड़ी भी आ रहा है, देखिए ठीक है। और ये गाड़ी दोस्तों घूम कर ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम तो बता दिए आपको कि हम कैसे काम करते हैं, आपको कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। अब मेरा शॉप सुन लीजिए दोस्तों कि मेरा शॉप है कहाँ। तो मेरा शॉप जो है एक गांव देहात में है। हम दोस्तों ग्राम कटेसर से हैं। मेरा पता है ग्राम पोस्ट कटेसर, थाना बिहटा, जिला पटना, ठीक है। स्टेट जो हम जिस स्टेट में रहते हैं दोस्तों वह बिहार है। और हमारे यहाँ का पिन कोड है दोस्तों 8103, ठीक है। दोस्तों आप जब भी काम कीजिए तो हम जैसे बताए हैं वैसे ही कीजिए। और दोस्तों सीआरटी टीवी में यहाँ पर एक ईएसटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वह दिखाते हैं आपको। ये देखिए ईएसटी ट्रांसफार्मर सप्लाई देकर टीवी चालू करने के बाद आप इस ईएसटी कैप को किसी भी हालत में आप न पकड़ें। इसमें दोस्तों हाई करेंट होता है, ठीक है, बहुत हाई करंट होता है, तकरीबन 18 से 21 हज़ार, ठीक है। अगर यह करंट दोस्तों या गलती से भी कैप आपके चालू आवर में हाथ से टच कर जाएगा तो आपको इतना बड़ा करंट का झटका लगेगा कि दोस्तों इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों किट को, टीवी को चालू करके आप दोस्तों ईएसटी को किसी भी हालत में इस कैप को टच ना करें, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा कुर्सी टेबल काम करने का तरीका, सूखा हुआ लकड़ी पे आप बैठिएगा और बैठ के सिंगल फेज करंट पकड़ भी लीजिएगा तो दोस्तों आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। जैसे ही दोस्तों आप ठंडा गर्म पकड़ेंगे शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका पूरा बॉडी में दोस्तों आग लगा देगा। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से काम करें, ठीक है, सेफ्टी से। अब चलिए दोस्तों हम आपको आगे से अपना शॉप दिखाते हैं। हम अपना पता तो आपको बता दिए हैं दोस्तों, अब आगे से हम अपना शॉप दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों हम रोड पर से, दुकान से निकल कर रोड पर आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा शॉप, आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, यही मेरा शॉप है बालापीर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और इधर देखिए दोस्तों ये ऑटो स्टैंड है, ये इधर मोड़ है। और इस साइड दोस्तों देखिए ये अंदर रोड गया हुआ है, यहीं पर दोस्तों बहुत गाड़ी आते जाता रहता है, इसलिए दोस्तों हमको साउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलता होता होगा आपको, ठीक है। अब चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए मेरा काउंटर लगा हुआ है, इसमें कुछ चाइनीज आइटम लगे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ हमारा कंपोनेंट सामान रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप अंदर दिखाते हैं। अंदर में दोस्तों हम आ गए हैं दुकान के अंदर। ये देखिए इस डिब्बे में दोस्तों छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रखे हुए हैं, सामान है जो ख़राब होने पर दोस्तों हम इसमें से निकाल कर लगाते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिए यही मेरा दुकान है, ठीक है, देख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों छतरी, दोस्तों हम जगह जगह छतरी भी सेट करने के लिए जाते हैं। और डिस्क भी रिपेयर दोस्तों हम कर लेते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्क को हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो छतरी को कैसे सिग्नल मिलाते हैं वह दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और कैसे छतरी को सेट किया जाता है सारा डिटेल दोस्तों हम आपको आगे आने वाले वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। यही दोस्तों हमारा शॉप है, यही पर दोस्तों हम बैठकर काम करते हैं, ठीक है। कुछ मुख्य ज़रूरी बातें दोस्तों ये तो हम अपना दुकान और काम कैसे करते हैं यह दोस्तों आपको अच्छी तरह हम दिखा दिए हैं और बता भी दिए हैं कि कैसे काम करना है। हम अपना दुकान का पता भी दोस्तों आपको बता चुके हैं, हम अपने शॉप का। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार दोस्तों और हम बता देते हैं। मेरा शॉप है ग्राम पोस्ट कटेसर ऑटो स्टैंड, थाना बिहटा, जिला पटना, बिहार। मेरा पिन कोड है 8103, ठीक है दोस्तों, यही मेरा पता है। और दोस्तों यूट्यूब पर हमारे एक और चैनल है सदगुरु कबीर आश्रम किरकिरी धाम के नाम से, जो भक्ति भजन का चैनल है। और सदगुरु कबीर आश्रम किरकिरी धाम यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको ज़्यादातर वीडियो मिलेंगे, तो उसमें भजन का, सत्संग का, प्रवचन का वीडियो दोस्तों आपको मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों आप एक बार जाकर वह भी वीडियो आप देखिए, और देखने के बाद दोस्तों समझिए, और उस चैनल को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप पावर बोर्ड देखे हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार सब कुछ सेट करके रखे हुए हैं। आप भी दोस्तों अपने सुविधा के अनुसार सब कुछ सेट करके रखिए और काम कीजिए। और हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप जब भी काम कीजिए तो बहुत ही सावधानी से कीजिए दोस्तों, यह करंट किसी का है नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए हैं। तो दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार के कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट कीजिए, हम उसका आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।